हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़। बात करते हैं आज एक ऐसे प्लांट की जिसका वास्तु के हिसाब से घर में लगाने का बहुत महत्व है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शमी प्लांट की, जैसे शमी का पौधा बोलते हैं। तो ये प्लांट बरसात में बहुत आसानी से लग जाएगा, आप बारिश में लगाएंगे तो। इस प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हैं या फिर आप नर्सरी से भी डायरेक्ट ला के लगा सकते हैं। ये मेरा प्लांट है जो कि बहुत पुराना हो गया है, इसका स्टेम भी काफ़ी हार्ड हो गया है और इसमें इस तरह से ये छाल भी निकल रही है। ये इस तरह से इसकी ये छाल निकलना स्टार्ट हो गई है। तो जब पुराना प्लांट हो जाता है तो कभी कभी बारिश के मौसम में प्लांट के साइड में भी दूसरे प्लांट निकल आते हैं, तो आप उस तरह से भी लगा सकते हैं। बट यदि आपके पास ये पौधा नहीं है तो आप इसकी किसी भी थोड़ी सी मोटे स्टेम को, इस तरह से ये स्टेम है, इसको आप 5-6 इंच का कट करके और मिट्टी में लगा सकते हैं। मिट्टी में आप सॉइल मिक्स जब बनाएंगे तो दो हिस्से आप नॉर्मल सॉइल जो गार्डन सॉइल होती है वो ले लें, और एक हिस्सा रिवर सैंड और एक हिस्सा बर्मी कंपोस्ट, साथ में उसमें आप थोड़ा सा नीम की खली फंगस अटैक को रोकने के लिए मिला लें, और इस तरह आप सॉइल मिक्स तैयार कर लें। यदि आप नर्सरी से लाए हैं तो उस प्लांट को उसमें सॉइल मिक्स में रिपोर्ट कर दें, और यदि आप कटिंग से लगा रहे हैं तो डायरेक्ट कटिंग आप उस सॉइल मिक्स में लगा लें। बरसात में ये प्लांट आसानी से लग जाता है, और इसको वाटरिंग की बहुत कम ज़रूरत होती है क्योंकि ये डेजर्ट एरिया का प्लांट है। तो इसके लिए आप पानी कम ही दें, कम पानी में भी काफ़ी अच्छी तरह से ये सर्वाइव कर लेता है। इस प्लांट को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती। अब इस बात की लोग ये कहते हैं कि इसकी पहचान कैसे हो, तो कुछ इसे दो तरह का प्लांट बताते हैं। एक में इस तरह का ये पिंक फ्लावर निकलता है, और एक प्लांट होता है जिसमें येलो फ्लावर आते हैं, और इसकी पत्तियाँ जो होती हैं इस तरह से रहती हैं। एक छुईमुई का प्लांट होता है सेम इसी तरह से, लेकिन उसमें पत्तियों को जब आप टच करते हैं तो वो पत्तियाँ जो हैं वो बंद हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। लेकिन शमी के प्लांट में ऐसा नहीं होता है, तो इसकी पहचान आसानी से हो जाती है। बात करेंगे इसको सनलाइट की, तो इसे प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत है। और यदि हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं तो इसके जो शनि दोष होता है, शनि ग्रह दोष होता है, उसके दुष्प्रभाव को ये कम करता है, इसलिए घर में लगा सकते हैं आप इसे। यदि आप मेन डोर पर लगा रहे हैं तो उसको इस दिशा में लगाएं कि जब आप बाहर निकलें तो आपके राइट साइड पर ये प्लांट रखा हुआ रहे, और यदि आप इसको टेरेस पर लगा रहे हैं तो आप इसके लिए ईशान कोण, ईशान कोण मतलब आप नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगा सकते हैं या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, इन दिशाओं में लगाएं और आप इसकी पूजा कर सकते हैं। शनिवार के शनिवार इसमें जल दें तथा शाम को इसको दीपक लगाएं, तो जो भी शनि ग्रह दोष से रिलेटेड परेशानियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो वास्तु और ज्योतिष के हिसाब से भी शमी का प्लांट बहुत पूजनीय माना जाता है। भगवान राम ने भी इसकी लंका विजय के बाद पूजा करी थी, इसलिए दशहरा के दिन पूजा करने का इसका विशेष महत्व है। भगवान शिव जी को ये बहुत ज़्यादा प्रिय है ये प्लांट। इसकी पत्तियाँ शंकर भगवान को चढ़ती हैं, इसके फूल चढ़ते हैं। तो आप ये इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। थैंक यू।